नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिक आकाश। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2019 से पहले खिलाड़ियों की नीलामी 18 दिसंबर को जयपुर में होगी। यह नीलामी एक दिन की होगी। इसके आयोजन स्थल में भी बदलाव किया गया है। इस बार आईपीएल की नीलामी बेंगलुरु की जगह जयपुर में होगी। सिर्फ 70 खिलाड़ियों को नीलामी में जगह दी गई है, जिसमें 50 भारतीय और 20 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार आईपीएल की नीलामी में एक चेहरा शामिल नहीं होगा। यह चेहरा इसलिए खास है क्योंकि पिछले 11 सालों से यह हर बार आईपीएल नीलामी का हिस्सा बन रहा है। आईपीएल 2019 की नीलामी में वेल्स स्थित रिचर्ड मेडले की जगह हग एडमेट्स लेंगे। एडमेट्स स्वतंत्र रूप से फाइन आर्ट क्लासिक कारों और चैरिटी के ऑक्शनर हैं। अपने शानदार कमेंट्स और कार्यशैली के ऑक्शनर रिचर्ड मेडले अब तक इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शनर रहे हैं, लेकिन इस बार वेल्स वेस्ट मेडले की जगह नीलामी के इंचार्ज होंगे हग एडमेट्स। इस क्षेत्र में एडमेट्स के पास 30 साल का अनुभव है। इस बार यह केवल 2 दिनों का ही काम नहीं होगा क्योंकि इसमें 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी के बीच 70 स्पॉट्स के लिए जंग होगी। मेडले इस निर्णय से खुश नहीं हैं। उनसे कहा गया कि ऑक्शन प्रक्रिया में बदलाव के लिए ऐसा किया गया है। बता दें कि 8 टीमों के पास नीलामी में बोली लगाने के लिए कुल 145 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि है। नीलामी से पूर्व पिछले महीने टीमों ने रिटेन किए हुए खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की और इस दौरान कुछ बड़े नामों को रिलीज किया गया। किंग्स 11 पंजाब ने युवराज सिंह जबकि दिल्ली डेयरडेविल्स ने गौतम गंभीर को रिलीज किया। वर्ष 2018 सत्र की नीलामी में जयदेव उनादकट के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपये की बोली लगाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने इस तेज गेंदबाज को भी रिलीज कर दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने चोटिल भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा और वेस्टइंडीज के T20 कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट को भी टीम में जगह नहीं दी है। मुंबई इंडियंस ने भी JP डुमिनी, पैट कमिंस और मुस्तफिजुर रहमान जैसे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी टीम में जगह नहीं दी है। आम चुनावों के साथ अगर तारीखों का टकराव होता है तो आईपीएल 2019 के कुछ हिस्से या पूरे टूर्नामेंट का आयोजन भारत के बाहर हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है आईपीएल 2019 ऑक्शन के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें क्रिक आकाश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।